हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 एंड टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 1 दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री एंड टुडे वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो द क्वेश्चन आंसर एक्चुअली डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स ऑफ आवर वोकैबुलरी आवर इंडेक्स दैट इज देखिए. In this geography class, geography book, we have completed the 12th, 13th, 14th, 15th, 16th and 17th also. Industries we have completed last time. And in civics we have done 21, 22, 23, 24. 24 chapters tak hum complete kar chuke hain. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chapters we have done. And police and the court we have done or not? Police and court. Just check it. No. Police and court we have not done this chapter. So 10 chapters we have done in our syllabus and now we are doing the history. First we do the 5 chapters of history and then we again start the civics or geography topics. So the question answers of chapter 1. The rule of East India Company started in India. East India Company जो है उसके rules जो हैं वो start किए थे. East India Company ने जब start किया and India become a colony of, और India किसकी colony बन गया? France की, Germany की, Russia की या फिर Britain की? बिल्कुल Britain की. ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो किसकी कंपनी थी? ब्रिटेन की थी. तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ब्रिटेन आएगा. ये सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया और इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने पूरे ब्रिटेन में अपना जो ब्रिटेन के करीब पूरे इंडिया में अपना जो आधिपत्य है, अपना जो ऑक्यूपाइनेस है वो कर दिया. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ द डैश वर प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल. वॉट वर द प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, ये देखते हैं हम. इसमें था लार्ज स्केल पर जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब कहाँ पर होती हैं वो प्रोड्यूस? फैक्ट्रीज आई थिंक आएगा आंसर इसका. ये रहा देखिए, ये रहा. फैक्ट्रीज वर प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल. लार्ज स्केल पर जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो क्या होती हैं? फैक्ट्रीज. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? फैक्ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकॉर्ड्स ऑफ आर्काइव्स और आर्काइव्स आर केप्ट इन अ सीरीज डेटिंग फ्रॉम. जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं आर्काइव्स के, यानी जो सेफ रखे हुए हैं हमारे पास, जो एविडेंस हम कह सकते हैं, वो कौन सी जो ईयर है, कौन से ईयर से रखे हुए हैं, ये हमने कल ही पढ़ा था. द रिकॉर्ड्स ऑफ द आर्काइव्स आर कैप्ट इन अ सीरीज डेटिंग फ्रॉम 1748. 1748 की सीरीज से हमारे पास रखे हुए हैं. तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1748. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, नेटवर्क ऑफ डैश एंड रेलवे इज यूनिफाइड द कंट्री बाय लिंकिंग वन एरिया ऑफ विद अनदर. किसी एक कंट्री को कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट करती हैं? रेलवेज तो यहाँ पे आएगी और दूसरा क्या आएगा? रोड्स. रोड्स ही तो कनेक्ट करती हैं. तो रोड्स एंड रेलवेज ये क्या कर रही हैं हमारी कंट्री को? एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं. नेक्स्ट आएगा हमारे पास द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन डैश. मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. कहाँ पर स्टार्ट हुआ? यूरोप में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ यूरोप में. ये आप देखिए कहाँ है, इन यूरोप. ये कल ही पढ़ा था हमने. यहाँ देखते हैं,
ये रहा देखिए, द पीरियड वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियड। इट बिगेन इन यूरोप विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जब ये स्टार्ट हुआ तो कहाँ पर हुआ? सबसे पहले यूरोप में। नेक्स्ट, रस सुंदरी दासी रोट एन ऑटोबायोग्राफी। नेम क्या नाम था ऑटोबायोग्राफी का? आमार जीवन। ये मैंने आपको बताया था कि हमारा जीवन, ये वुमन के बारे में थी ये जो बुक थी, तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमार जीवन बंगाली में। रसा सुंदरी दासी इनका नेम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सो व्हाट आर द फिल इन द ब्लैंक, व्हाट इज़ द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक? फर्स्ट इज बुक्स वर प्रिंटेड बोथ इन डैश एंड इन द वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। बुक्स जो हैं उन्हें प्रिंट किया जाता है किस किस में? देखिए, बुक्स को किस किस लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता था, इसको देखते हैं हम। ये कहाँ पढ़ा था अभी हमने देखा था, बुक्स न्यूज़पेपर में आएगा ये। तो बुक्स वर प्रिंटेड, मैंने बायोग्राफी, बुक्स वर प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड इन द वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। इंग्लिश और वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस में, तो इसमें आएगा इंग्लिश। इसका आंसर आएगा क्या? इंग्लिश। इंग्लिश और उसकी जो रीजनल लैंग्वेज होती थी उसमें बुक्स को प्रिंट किया जाता था। यानी जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी और इंग्लिश में होगी, बंगाल है तो बंगाली और इंग्लिश में होगी। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश ऑल्सो बिगन द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग। ब्रिटिश जो हैं उन्होंने भी स्टार्ट की प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग। क्या कंडक्ट करना स्टार्ट किया? डिटेल्ड सर्वे, सर्वे करना स्टार्ट किया उन्होंने भी, यानी कि डिटेल्ड सर्वे जो है ये कंडक्ट करना। रेवेन्यू सर्वेज कंडक्टेड विलेजेस एंड जो डिटेल्ड सर्वेज है वर कंडक्टेड इन द 19th सेंचुरी द मैप ऑफ द कंट्री। ब्रिटिश भी ऐसा बिलीव कर रहे थे कि जो बेटर वे है वो क्या है कि कंट्री को जानना बहुत ही बेटर वे है, तो इसलिए इन्होंने भी क्या कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, सर्वेज कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, द इन द मॉडर्न पीरियड, इन द मॉडर्न पीरियड मैनी मैन एंड वूमेन बिगिन टू राइट एंड एक्सप्रेस दियर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन जॉय सोरो एंड अदर एक्सपीरियंस। ये देखिए ये आएगा यहाँ पर, दियर एंगर फ्रस्ट्रेशन जॉय सोरो एंड अदर एक्सपीरियंसेस। ये हम कर सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे? फ्रस्ट्रेशन, इसको लिख लीजिएगा फ्रस्ट्रेशन को। बाकी मैंने आपको चैप्टर में कहाँ ये बताई दिया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। द फैक्ट्रीज ऑल्सो नीडेड, फैक्ट्रीज़ को और किसकी नीड थी? डैश लाइक रॉ कॉटन, ये तो क्या है? रॉ कॉटन, आयरन और कोल, ये सब लार्ज स्केल पर क्या है? ये रॉ मटेरियल है। तो आ जाइए इसमें, ये रहा देखो, फैक्ट्रीज ऑल्सो नीडेड रॉ मटीरियल्स। ये आ गया पेज नंबर 8 पर, तो यहाँ पर आएगा ऑल्सो नीडेड रॉ मटीरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द आर्काइवल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो हैं गवर्नमेंट के ऑफ डैश इंडिया आर अवेलेबल इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कौन से इंडिया के थे? ब्रिटिश इंडिया के, जो कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली में अवेलेबल हैं। ये देखिए, आर्काइवल रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर अवेलेबल इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। तो ये हो गया हमारा, ये फिलअप न्यू दिल्ली में हमारे जो भी सेफ हैं चीज़ें वो सारी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी हमने आर्काइवल रिकॉर्ड्स का यहाँ पर भी कोई, हाँ ये रहा ना, आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो हैं वो कब से स्टार्ट हुए थे? 1748 से। और कहाँ पर रखे हुए हैं? ब्रिटिश इंडिया के जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखे हैं न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डैश वॉज फर्स्ट वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी इन बंगाल इन 1876 नेम्ड अमर जीवन। तो अमर जीवन किसने लिखी है? अभी हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, रसा सुंदरी देवी ने, सॉरी दासी ने, बंगाल की थी। अमर जीवन बांग्ला में लिखी है। ये हो गए हमारे फिलअप्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हु एंटर्ड, क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट में, हु एंटर्ड इंडिया एज ट्रेडर्स एंड थस एस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग पोर्ट्स। देखिए इस चैप्टर में आपका ये जो आंसर है वो नहीं है। सो वैसे अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर पोर्तुगीज़ आए थे,
तो उन्होंने ही यहाँ पर जो पोर्तुगीज ने ही बनाया था, जो इसमें नहीं है आपके, नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखाई देगा ये वाला आंसर। तो फिर भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, पोर्तुगीज एंटर्ड इंडिया एज ट्रेडर्स एंड थस एस्टैब्लिश दियर ट्रेडिंग पोर्ट्स। इसमें आंसर आ जाएगा आपका ट्रेडिंग पोर्ट, सॉरी हु की जगह आ जाएगा पोर्तुगीज, POURTUGUESE, ये आ गया आपका पोर्तुगीज। नेक्स्ट हम बात करें आप, वेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाई बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कब ऑक्यूपाई किया, कब ऑक्यूपाई किया था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में ये भी इस चैप्टर में नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने बंगाल को कब ऑक्यूपाई किया था, इसने बंगाल को ऑक्यूपाई किया था 1757 में इसने बंगाल को ऑक्यूपाई किया। और ये कब हुआ था, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जब नवाब सिराजुद्दौला और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके बीच में हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में जब युद्ध हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव ने उसे हरा दिया, और वहीं से इंडिया के, हम ये कह सकते हैं कि वहीं से इंडिया की स्टार्टिंग हुई कॉलोनी बनने की, या इंडिया पर इंग्लैंड का कब्ज़ा होने की। तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या था। ये देखिए पेज नंबर 8 पर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो था वो था कॉलोनियलिज्म, यानी कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर राइट हो जाना या अधिकार हो जाना, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था। ये है आपका आंसर थर्ड पेज नंबर 8 पर। नेक्स्ट, वॉट वर द आर्काइवल रिकॉर्ड, वेयर आर द आर्काइवल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अवेलेबल। ब्रिटिश इंडिया के जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, अभी हमने फिलअप्स भी किए हैं इसके, द आर्काइवल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया आर अवेलेबल इन द, ये पूरा जो फिलअप है ये आपका इसका आंसर बन सकता है, इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली, ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको पेज नंबर 9 से, द आर्काइवल रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर अवेलेबल इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। बहुत सारे आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं, जो और भी आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर रखे हैं, ब्रिटिश इंडिया के साथ जो डील करते हैं वो रखे हुए हैं हमारे इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड लंदन में, और जबकि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के इसने पूछे हैं तो ये रखे हुए हैं इंडिया एट न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट मटेरियल आर द रिकॉर्ड्स ऑफ आर्काइवल डॉक्यूमेंट कैप्ट। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं ये कहाँ रखे हुए हैं, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि ये जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं ये किसके बने हुए हैं, यानी कि किस मटेरियल पर ये बनाए गए हैं, और ये किस मटेरियल में, ये किस मटेरियल पर बनाकर रखे गए हैं। तो इसके लिए भी हम आ जाते हैं पेज नंबर 9 पर। ये देखिए जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स के बाद में ये रहा, ये लंदन वाला जो है इसमें देखिए, डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश, ये लैंग्वेज आपको बताई हुई है कि इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, संस्कृत में अवेलेबल है। फिर लिखा हुआ है दीज आर्काइवल, यहाँ आप आर्काइवल लिख लेंगे खुद से, आपको यहाँ पे आर्काइवल लिखना होगा। दीज आर्काइवल रिकॉर्ड्स आर ऑन, कौन कौन से मटेरियल पे हैं, आर ऑन पेपर, पाम लीफ, बार्क, पार्शमेंट एट्सेट्रा, इन सब पर रखे हुए हैं। तो ये हो गया आपका आंसर 5th। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली। बंगाली में जो ऑटोबायोग्राफी है उसके लिए हम करते हैं कि कौन है जो जिन्होंने ये लिखी है। ऑल्सो नेम हर ऑटोबायोग्राफी, उसकी ऑटोबायोग्राफी, देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अपनी आत्मकथा एक तो होती है, बायोग्राफी जो कि कोई और पर्सन जब किसी की स्टोरी लिखता है तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी, लेकिन जब कोई पर्सन खुद की अपनी आत्मकथा जो है, अपनी स्टोरी खुद लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये हमारा आंसर आएगा इसका, द रससुंदरी दासी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली, बंगाली में लिखी थी।
1876 में नेम्ड, उसका नेम था आमार जीवन। ठीक है, ये आपको कंप्लीट लिखना है। तो ये हमारा ये हो गया है फिल इन द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट आंसर, एंड अबाउट द लॉन्ग आंसर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।